जी। आप तमाम बांग्लादेशियों को बरसात बरसाते हो यहाँ पर वोट बैंक के चक्कर में, और उत्तराखंडियों को बाहर करोगे, ये नहीं होने दूंगी मैं। जो भी है प्रेमचंद अग्रवाल, प्रेमचंद अग्रवाल तो क्या कहना, किसी को लीज में दे दी जमीन पक्का दे दी होगी, क्योंकि 100% को सीबीआई जांच कराऊंगी, जेल भेजूंगी नेताओं को। असल प्रशासन बात करे, फैसला करे तो मशीन चलेगी, नहीं तो हम परवाह नहीं करेंगे यहाँ बिजली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की। आपको पता है ऋषिकेश में IDPL कॉलोनी को खाली कराने को लेकर शासन प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, जिनका विरोध करने के लिए जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे भी पहुंची। आइए जानते हैं क्या कहा भावना पांडे ने। बहुत ज्यादा गलत बात है, ठीक है उन्होंने वार्निंग दी है, मगर एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि भाई सबको घर देते हैं जी जी, और जो बेचारे रह रहे हैं क्या इनके लिए 1200 घर नहीं मोदी जी के पास। मैं धामी से पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री आवास दे दो इनको। जिस समय IDPL ने इनके पैसे रोके, आज की तारीख में 900 गज जमीन बनती है इनकी, तो सारे IDPL वालों को 900 गज जमीन के हिसाब से लीज पर दे दें जी। आप तमाम बांग्लादेशियों को बरसाते हो यहाँ पर वोट बैंक के चक्कर में, और उत्तराखंडियों को बाहर करोगे, ये नहीं होने दूंगी मैं। राज्य आंदोलनकारी बेटी उत्तराखंड की, और मशीन चलेगी तो हम पुलिस की भी परवाह नहीं करेंगे यहाँ पर। और मैं कह देना चाहती हूँ, धामी तो चला गया दिल्ली, और यहाँ तोड़फोड़ करा के खुद दिल्ली चला गया। अभी मैंने सुना है खटीमा से सीधे धामी दिल्ली पहुँच गया, और यहाँ के मुख्यमंत्री हमसे कुर्सी बचाने के चक्कर में रहते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, सुबोध उनियाल है मंत्री कौन है, जो भी है प्रेमचंद अग्रवाल तो क्या कहना, किसी को लीज में दे दी होगी जमीन पक्का दे दी होगी, क्योंकि 100% पूरा उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लीज पे बांट रखा, लीज पे। और जांच कराऊंगी इनकी मैं, और इनको सबको सीबीआई जांच कराऊंगी, जेल भेजूंगी नेताओं को। और आज शर्म नहीं आ रही है, आप दे दो ना, आप इतने सालों से रह रहे पंडा पंडा, इतने बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे नहीं उनको रखने को तैयार हैं, तुम बुजुर्गों को बाहर करो। अरे नेताओं, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है, पाप लगेगा इन नेताओं को। मैं कहना चाहती हूँ, अब मशीन नहीं चलेगी, और आए शासन प्रशासन बात करे, फैसला करे तो मशीन चलेगी, नहीं तो हम परवाह नहीं करेंगे। यहाँ बिजली पुलिस है, फिर सारी पब्लिक जो है।